Hello everyone. Today I'm going to discuss about physical or biological anthropology. It deals with the physical, that is morphological and biological aspects of human beings. इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन बींग्स की इवोल्यूशन स्टोरी को पता करना और कैसे ह्यूमन बींग्स में टाइम के साथ वेरिएशंस आई या डिफरेंट जियोग्राफिकल प्लेसेस में कैसे वेरिएशंस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको डिटेल में स्टडी करना. तो आइए इसके स्कोप को देखते हैं. फर्स्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना एंसेस्टर की स्पीशीज़ को फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू. दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स के मिलने पर उनके हर एक चीज़ को डिफाइन करना. थर्ड, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में मिले हैं उनके बीच में आपस में लिंक इस्टेब्लिश करना और पता करना कि कौन सा फॉसिल फ्यूल्स पहले के टाइम का है, कौन सा बाद के टाइम है. तो फिर इससे पता चलता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ. फिर आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी. ये डील करता है मैन की क्या पोजीशन होनी चाहिए एनिमल किंगडम में, उसके इरेक्ट पोस्चर के साथ उसमें क्या मॉडिफिकेशंस आए और फिर उसके बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस जो हुए हैं उस पर उसके कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. जैसे कि पहले के ह्यूमन बीइंग में ब्रेन का साइज जो है वो छोटा हुआ करता था, धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ ब्रेन का साइज बड़ा हुआ, तो फिर इससे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको डिटेल में स्टडी करता है ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. हमारा जो थंब हुआ करता था वो पहले हमारे फिंगर्स के साथ स्ट्रेट हुआ करता था, जैसे ही हमारा थंब अपोजेबल हुआ तो इससे भी ह्यूमन बींग के कल्चर पे इम्पैक्ट आया. तो ये क्या इम्पैक्ट्स आए उसको स्टडी करता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. और हमारा जो फोरलिम्स का मूवमेंट होता था वो हिंडलिम्स के मूवमेंट के साथ ही होता था, धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आए कि फोरलिम्स जो है फ्रीली मूव करने लगे, तो इससे एक्चुअल में ह्यूमन के कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया उसको स्टडी करता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. देन ह्यूमन बायोलॉजी को ये अच्छे से स्टडी करता है. ये देखता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के वो कैसे स्टडी करते हैं और एक्सटर्नली ह्यूमन कैसे स्टडी करता है. इसका एग्जांपल है सीरोलॉजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होता है तो उससे ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको स्टडी करता है. ऑस्टियोलॉजी यानी कि हमारी बोन्स की स्ट्रक्चर, हमारे स्केलेटल की स्ट्रक्चर, उसको डिटेल में स्टडी करता है और उससे क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी करता है. देन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये हेल्प करता है क्राइम साइट पे क्राइम का एक्चुअल में पता लगाने के लिए. वो ये कैसे करता है, सीरोलॉजिकल या जेनेटिकल एविडेंसेस, मतलब ब्लड ग्रुप की स्टडी के बेसिस पे पता लगाना और जेनेटिक एविडेंसेस यानी डीएनए टेस्टिंग के बेसिस पे पता लगाना. देन रेस, रेस इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिखने में लोग कैसे डिफरेंट होते हैं उसका पता लगाता है. तो इसने एक्चुअल में कंक्लूजन जो दिया था कि रेस इज जस्ट अ मिथ, कि रेस जैसा कुछ भी नहीं होता है. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने कहीं ना कहीं बताई है. देन ह्यूमन इकोलॉजी, ये डिटेल में स्टडी करता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह से ह्यूमन बींग अपने आप को अडॉप्ट करता है. जैसे कि हमने देखा था कि जैसे हमें पता है कि हिली एरियाज़ में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें आरबीसी की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें उन वहाँ पर प्रेजेंट कम प्रेशर को अडॉप्ट करने के लिए होती है. तो दिस इज़ ह्यूमन इकोलॉजी. देन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, कि डाइट के टर्म्स में कैसे वेरिएशंस आते हैं, कि अगर न्यूट्रिशन लोग अच्छा लेते हैं तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, अगर न्यूट्रिशन कम उनको मिलता है तो ग्रोथ लेट होती है. तो ये इस तरह के चेंजेस जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़े जाते हैं. देन अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी गारमेंट इंडस्ट्री में, फर्नीचर में, आर्मी में और हेल्थ इश्यूज़ में. देखते हैं कि जैसे गारमेंट में हम कह सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड साइज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, कि किस तरह के कपड़े वो बना सकते हैं रेडीमेड क्लोथिंग. फिर फर्नीचर में कैसे कंफर्टेबल और सॉफ्ट फर्नीचर बनाया जा सकता है जो हर तरह के इंडिविजुअल के लिए कंफर्टेबल हो. आर्मी में आर्मी की जो ड्रेसेस है, आर्मी के जो इक्विपमेंट्स है, जो जैसे गन्स वगैरह हो गए, वो कैसे हर एक ह्यूमन को फिट कर जाएँ, उस तरह के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये. देन हेल्थ, हेल्थ में एंथ्रोपोलॉजी ने इस तरह से हेल्प किया कि कुछ एक ऐसे डिजीजेज हैं जो कभी पता ही नहीं होती थी किसी को, तो वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने बताई, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस. देन ये तो ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के फीचर्स देखे हमने, अब इसमें भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थी उसको बाद में जो टैकल किया था वो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने किया था. तो देखते हैं कि एक्चुअल में ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी. इट मोस्टली डेल्ट विद द नॉन जेनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेरिएशंस, मतलब जिस टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे जेनेटिक्स, ऑल दो उस पर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे जेनेटिक्स इतना प्रेलिमेंट नहीं था, जेनेटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो ये कुछ भी मतलब बोलता रहता था, नॉन जेनेटिक एस्पेक्ट्स पर डील करता था, जेनेटिक्स के बारे में इसको कुछ नहीं पता था, तो इसके एविडेंसेस जो थे बाद में गलत प्रूव हुए थे. सेकेंड,
ये ह्यूमन एवोल्यूशन की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं करा पाया था, क्योंकि ना तो फॉसिल का एक्चुअल में इनको अच्छे से डाटा मिल पाया था टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, और ना ही इन्होंने कुछ ज़्यादा उसमें डिटेल में स्टडी करा था। थर्ड, ये क्लासिफिकेशन में अपना सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते थे कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी थी इन्होंने कि ह्यूमन एक्चुअल में क्लासिफिकेशन में कहाँ पर आना चाहिए, तो इस जब चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा फोकस करा था। देन नेवर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्सपेरिमेंट्स कभी कंडक्ट करे नहीं थे, तो बाद में जो इनकी रिपोर्ट्स थी वो उनमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ पाई गई। देन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, डिस्क्रिप्शन इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं दिया था, तो फिर ये भी इसकी मेजर इनका चैलेंज बना। फिर धीरे धीरे बाद में इसके इन कमियों को पूरा करा था न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।